Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. In this video, we are going to discuss your most important questions for your UGC NET Economics from your Growth and Development subject. This topic is very, very important when it comes to your paper 2. This is a theoretical part, but in this case, there are very tricky MCQ questions asked. आपका जो UGC NET का स्टैंडर्ड है वो काफी इंक्रीज कर गया है, तो इस पार्ट में से भी अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इसी चेंज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स भी वहीं से रिवाइज कर लेंगे। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। सो स्टार्टिंग विद योर क्वेश्चन नंबर 1, Following are the characteristics of your traditional view for development. आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे traditional view पूछा गया है. So part 1 is development is a phenomena that benefit your labor productivity. Secondly, trickle down effect. Third is your modern technology increases to benefit the services and the industry sector. Fourthly, you have poverty and unemployment should decrease. And you need to select the correct code from the answers. So kindly answer your parts in the chat box and I'll tell you the concepts so that we learn the concepts and answer these questions. So starting with your traditional view. Traditional view jo hai wo 1970s tak bahut famous ek aapka viewpoint tha. Aur is viewpoint ke hisab se koi bhi economic policy jo ki aapke GNP ko ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को इंक्रीज करती है वो ग्रोथ कहलाती है एंड दैट इज एक्चुअली दैट हेल्प्स इन योर डेवलपमेंट और इट इंक्रीजेस योर पर कैपिटा जीएनपी सो इट इज मोर ऑफ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड दिस व्यू पॉइंट ऑल्सो इम्फेसिस ऑन द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब है कि आप एक सेक्टर को फॉर एग्जाम्पल आपके इंडस्ट्रीज से आपको बहुत ज्यादा आउटपुट मिलती है और यू कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट ओनली, तो इसमें ही अगर आप सारी इन्वेस्टमेंट डाल देंगे और इस सेक्टर को रिच बना देंगे तो ये इफेक्ट ट्रिकल डाउन करेगा आपके दूसरे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से जैसे कि एग्रीकल्चर पे। सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में खुद ब खुद आपका जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। दिस वॉज अ व्यू पॉइंट ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर जीएनपी को इंक्रीज करेगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो जीएनपी को इंक्रीज करेगी फ्रॉम योर लेबर प्रोडक्टिविटी, सो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस योर डेवलपमेंट। तो दिस वॉज फ्रॉम योर ट्रेडिशनल व्यू। मॉडर्न व्यू कहता है कि ट्रिकल डाउन काम नहीं करता एंड यू नीड टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रीज को भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आपको सेम इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए। एंड ट्रेडिशनल से हटके जो आपका मॉडर्न व्यू पॉइंट था वो कहता था कि आपको होलिस्टिक एक डेवलपमेंट करनी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको ग्रोथ भी देखनी है और आपको ये भी देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है और पॉवर्टी क्या चल रही है, इन दोनों फैक्टर्स को भी आपको कम करना होगा फ्रॉम योर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये भी देख रहे हो कि आपका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, लिविंग स्टैंडर्ड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये आपका सारा मॉडर्न व्यू पॉइंट में आता है। सो लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। अब आपको पता चल गया जो पार्ट 1 है, डेवलपमेंट इज अ फिनोमिना दैट बेनिफिट्स द लेबर प्रोडक्टिविटी, ये एक क्लासिकल मॉडल का पार्ट है। नेक्स्ट इज योर ट्रिकल डाउन इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो अ क्लासिकल मॉडल पार्ट। एंड नेक्स्ट इज योर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस टू बेनिफिट द सर्विसेज एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दिस इज ऑल्सो योर ट्रेडिशनल और योर क्लासिकल पार्ट। क्यों है मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट का पार्ट? क्योंकि अगर आपकी टेक्नोलॉजी इनहेंस होती है तो आपके लेबर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज एंड इट विल बेनिफिट योर सर्विसेज एंड योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, विच इज समथिंग दैट ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट एम्फेसिस ऑन। लास्ट इज योर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस वी नो कि इसको डिक्रीज करना वॉज अ व्यू पॉइंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशनल और योर क्लासिकल व्यू पॉइंट। सो नाउ यू नो 1, 2, 3 आर द करेक्ट कोड, सो योर राइट आंसर इज सी। आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स। So let's discuss the next question.
फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ योर क्लासिकल थ्योरी. ये जो क्लासिकल थ्योरी है यहाँ पे एग्जैक्टली वही आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, बट हम डेवलपमेंट के एंगल से यहाँ पे देखते हैं. सो लेजर फेयर, नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट वर्क एज अ इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एज अ टेंडेंसी टू फॉल, कैपिटल एक्युमुलेशन इज द की टू प्रोग्रेस. इसमें से कौन से फीचर्स हैं क्लासिकल थ्योरी के, यू नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट कोड. सो काइंडली आंसर इन द चैट बॉक्स. So let's discuss the classical theory itself, and from this learning we would be able to solve our questions. So first part is laissez faire, aapki policy rehti thi classical theory mein. This is very right, this is something that we have covered in macro too. Ki classical economists kehte the ki markets will do, markets apna kaam khud kar lengi aur government expenditure ka koi bhi role nahi hona chahiye aapki economy mein. Next is the capital accumulation is needed for development. This is also right. So they emphasized on the importance of capital. So capital is a very important part for your classical theory. Next is your profit, and profit works as the incentive for your investment. Agar capital accumulate karega to aapke jo industrialist hai, he would be able to produce a lot of quantity, aur usse jo aapka profit hai wo increase karega. And from that profit, जो उसकी savings बचेंगी वो invest कर पाएगा. So your investment will also increase from your profits. So profits actually work as an incentive for your investment. Next is your stationary state. ये भी एक feature था classical theory का. वो कह रहे हैं कि जो आपका profit है वो increase तो करता है, लेकिन एक point तक, उसके बाद it start declining. When it starts to decline, आपका perfect competition आ गया है economy में, और वो एक point है जो कि stationary state है, जहाँ पे profits zero हो गए हैं, और आप एक ऐसे stationary state पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे आपकी capital accumulation रुक जाएगी. So this was also a part of your classical theory. Next एक problems भी discuss कर लेते हैं कि अगर question कुछ अलग तरीके से आया. Problems क्या थी? They ignored middle class. अब वो लेबर्स के बारे में बात करते हैं और वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में भी बात करते हैं, बट दे डू नॉट टॉक अबाउट द सर्विस क्लास और द मिडिल क्लास. नेक्स्ट इज योर पब्लिक सेक्टर वाज नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस. आपको पता है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में फ्रॉम योर गवर्नमेंट पॉलिसी साइड. तो उनके हिसाब से पब्लिक सेक्टर भी एक अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है, विच वॉज रॉन्ग. पब्लिक सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी इकोनॉमी में. एक स्ट्रेटेजिक और स्ट्रक्चरल चेंज के लिए आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और पब्लिक सेक्टर की बहुत ज्यादा यूजेज आएगी. नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजी वाज नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस. वो कैपिटल एक्यूमुलेशन के पीछे ही पड़े रहे पूरा टाइम कि कैपिटल एक्यूमुलेट करनी है हमें, एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन विल लीड टू प्रॉफिट इंक्रीज, बट दे फॉरगॉट अबाउट टेक्नोलॉजी. तो वो टेक्नोलॉजी एक इनकी ईयर इंक्लूड ना करना वॉज अ ड्रॉबैक. सो लेट्स गो बैक टू योर क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कौन सा फीचर है. सो लेजर फेयर आपका फीचर है क्लासिकल थ्योरी का. नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट वर्क्स एज अ इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट. प्रॉफिट हैव अ टेंडेंसी टू फॉल, दिस इज ऑल्सो अ क्लासिकल थ्योरी पार्ट. नेक्स्ट इज योर क्लासिकल एक्युमुलेशन इज द की, कैपिटल accumulation is the key to progress. This is also part of your classical theory. So now you know ki all of the above is correct. So your correct answer is D. I hope you have been answering in the chat box. Let's discuss the next question. This is a match the following type of question. Ye questions bahut important hote hain, exam mein hi aate hain. Yahan pe aapki memory based aur concepts ko dono ko hi yahan pe test karte hain in this type ke questions ko. So A list 1 hai aapka Nuskre. B part is Marxian theory, C is Schumpeterian theory, and D part is your Simon Kuznets, and you need to match it with the list 2, surplus value, circular flow, vicious circle of poverty, and fourth is your modern growth theory, and you need to select the correct code from your option. So kindly answer in the chat box. So let's learn the concept. पहले Marxian theory कर लेते हैं. मार्क्सियन थ्योरी जो थी दैट वॉज बेस्ड ऑन द सरप्लस वैल्यू, और सरप्लस वैल्यू वो कहता था कि जो सरप्लस वैल्यू आ रही है इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, विच इज एक्चुअली हिज प्रॉफिट, ये सरप्लस वैल्यू आ रही है एट द कॉस्ट ऑफ योर लेबर. जो लेबर प्रोडक्टिविटी जितनी थी
द इंडस्ट्रियलिस्ट डज नॉट पे हिम द ड्यू इम्पोर्ट द ड्यू वेजेस, और वो उसको सेव करके प्रॉफिट्स इंक्रीज कर पा रहा है एंड दैट इज हिज सरप्लस. अब जो सरप्लस है उससे वो कैपिटल एक्यूमुलेट करेगा. कैपिटल एक्यूमुलेशन से वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कैपिटलिस्टिक क्लास को डिस्कस कर रहा है कि कैपिटलिस्ट कैसे काम करते हैं, वो अपने सरप्लस को चेंज करते हैं कैपिटल में. तो ये कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है एट द कॉस्ट ऑफ योर लेबर. उसके बाद वो डिफरेंशिएट करता है कॉन्स्टेंट कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल में. आपकी कॉन्स्टेंट कैपिटल है जो आपने मशीनरी लगाई है एंड द वेरिएबल कैपिटल इज दैट चेंजेस एट एवरी आउटपुट लेवल. ये वेरिएबल कैपिटल आपकी क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, जो कितने लोगों को आप इंप्लॉय कर रहे हो, दिस इज दैट कैपिटल. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट होता है दैट इज सी प्लस वी प्लस एस. सी इज योर कॉन्स्टेंट कैपिटल, वी इज योर वेरिएबल कैपिटल एंड एस इज योर सरप्लस. ये एक टोटल आपको वैल्यू मिल गई और वो यहां से निकालता है कि रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है. यहाँ पे क्योंकि आप लेबर में से सरप्लस निकाल रहे हैं तो इसेंशियली अकॉर्डिंग टू मार्क्स यू आर डूइंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर लेबर. सो वो आपको रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी देता है विच इज डिपेंडेंट ऑन योर सरप्लस डिवाइडेड बाय योर वेरिएबल कैपिटल. ताकि सरप्लस इंक्रीज करेगा तो आपकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी एट द कॉस्ट ऑफ योर लेबर आ रही है तो एक्सप्लॉयटेशन भी इंक्रीज करेगी. नेक्स्ट इज योर नुस्क्रे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. सो अकॉर्डिंग टू नुस्क्रे अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर. एक विशियस सर्कल में पड़ी रहती है लो लेसर डेवलपिंग कंट्रीज LDCs, और उसके लिए वो ग्राफ बताता है कि आप लो प्रोडक्टिविटी है इसलिए लोअर इनकम ग्रुप में आप रहते हो. लो इनकम होने की वजह से यू गेट लो डिमांड, लो डिमांड की वजह से देर इज अ लोअर इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज वाई यू आर गेटिंग अ कैपिटल डेफिशिएंसी. इसको वो लोअर डिमांड से भी एक्सप्लेन करता है, एक तो ये हो गया. और नेक्स्ट वो एक्सप्लेन करता है इसको लो रेट ऑफ सेविंग से, कि अगर यहाँ सेविंग से भी हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते लो डिमांड को तो भी ये विशेष सर्कल चलता रहता. एंड थर्डली ही से नेचुरल रिसोर्सेज, अगर नेचुरल रिसोर्सेज की भी आपके पास कमी होती है देन ऑल्सो ये एक विशेष सर्कल है. एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जापान के पास नहीं थे स्टिल वो अपने डिमांड की तरफ से इट वॉज एबल टू कम आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल. नेक्स्ट इज योर शूम्पटेरियन थ्योरी. शूम्पटेरियन थ्योरी के हिसाब से एक सर्कुलर फ्लो होता है इकोनॉमी में जिसमें आपका रिसेशन आता है और उसके बाद ग्रोथ आती है, फिर रिसेशन आता है, फिर ग्रोथ आती है. ये एक सर्कुलर फ्लो चलता रहता है इकोनॉमी में. लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट करनी है इस सर्कुलर फ्लो को आपको तोड़ना होगा. वो आप कैसे तोड़ोगे, आपको न्यू पॉसिबिलिटीज देखनी होगी. न्यू पॉसिबिलिटीज आर योर न्यूअर टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक्स, कोई भी मॉडर्न अगर आपके पास टेक्निक्स आती है, ऑल दीज आर योर न्यू पॉसिबिलिटीज. और तभी आप सर्कुलर इकोनॉमी में से, सर्कुलर फ्लो में से बाहर आ पाते हैं. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो नुस्क्रे ने क्या थ्योरी दी थी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. मार्क्स ने आपको दिया था सरप्लस वैल्यू. शूम्पटेरियन थ्योरी इज बेस्ड ऑन योर सर्कुलर फ्लो. एज साइमन कुजनेट इज एक्चुअली योर मॉडर्न थ्योरिस्ट, मॉडर्न ग्रोथ थ्योरी उन्होंने दी थी. सो दिस इज 4. सो नाउ यू नो की करेक्ट कोड क्या हो गया, 3124, विच इज पार्ट ए. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर मैच्ड करेक्टली. तो आपको ये देखना है कौन से इनकरेक्टली नहीं है, तो उसमें से आप वो निकाल देंगे अपने ऑप्शंस में से. ए पार्ट इज हैराडोमर मॉडल विच इज मैच्ड विद द सिंथेसिस बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द सिग्मा इफेक्ट. बी पार्ट इज ल्यूइस मॉडल, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर. सी पार्ट इज सोलो मॉडल, शॉर्ट रन ग्रोथ मॉडल. डी इज फी रैनिस मॉडल, सेल्फ सफिशियंट ग्रोथ रेट. एंड यू नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट कोड, सो काइंडली आंसर इन द चैट बॉक्स एंड वील लर्न द कॉन्सेप्ट. हैराडोमर मॉडल जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट एंड द मल्टीप्लायर इफेक्ट का कॉम्बिनेशन.
तो आपका जो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होता है दैट इज द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन योर प्रोडक्शन. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा इफेक्ट. नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑन योर इनकम. सो ये वाला बिल्कुल ही कीन्स की थ्योरी में जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये वही वाला मल्टीप्लायर इफेक्ट है. यहीं से जो सेविंग्स कैसे होती है इकोनॉमी में से, वो उसका कॉन्सेप्ट उठा के हैरी डोमर ने अपना ये मॉडल दिया है. नेक्स्ट इज योर सोलो मॉडल. सोलो मॉडल इज अ मॉडल फॉर लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल. ये मॉडल जो है वो इंक्रीमेंटल कैपिटल और इंक्रीमेंट ऑफ लेबर के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है और जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आपको आपका आइडियल कैपिटल लेबर रेशियो मिलता है. सो दिस इज योर सोलो मॉडल. नेक्स्ट इज योर लुईस मॉडल. लुईस मॉडल वॉज गिवन बाय आर्थर लुईस और आप उसके हिसाब से एक इकोनॉमी में दो पार्ट रहते हैं. फर्स्ट इज योर कैपिटलिस्टिक सेक्टर. नेक्स्ट इज योर सब्सिस्टेंस सेक्टर. अब ये जो कैपिटलिस्टिक सेक्टर है दैट इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड जो सब्सिस्टेंस का सेक्टर है दैट इज योर एग्रीकल्चर सेक्टर. अब इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें एक अनलिमिटेड पूल ऑफ लेबर है जिसको आप निकाल के अपने इंडस्ट्री सेक्टर में डाल सकते हैं टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट. और ये जो री इन्वेस्टमेंट होगी वो कैपिटलिस्ट करेगा विच इज कॉल्ड योर सरप्लस. सो दिस वॉज योर लुईस मॉडल. नेक्स्ट इज योर फी रेनिस मॉडल विच इज एक्चुअली अ इम्प्रूवमेंट ओवर योर लुईस मॉडल. सो अकॉर्डिंग टू डेम फर्स्ट फेज में क्या होगा कि यू विल आइडेंटिफाई कि जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके अंदर एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो बहुत कम है या नेगेटिव है. दिस इज योर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में से कुछ लोगों को निकाल दोगे तो आपके प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. दिस इज समथिंग दैट फी रेनी मॉडल कहता है कि फेज टू में होगा कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ लोगों को आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट कर देंगे आइडेंटिफाई करके कि इन लोगों की वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फॉल कर रही है. नेक्स्ट इज योर फेज थ्री जिसके अंदर जो आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर में वेज रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा एंड यू हैव रीच द थर्ड स्टेज द स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ जिसके अंदर आपकी एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्री में भी दोनों में ग्रोथ रेट सस्टेन करेगी खुद को ही. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो कि हैरी डोमर मॉडल सिंथेसिस बिटवीन मल्टीप्लायर ये दिस इज करेक्टली मैच. नेक्स्ट इज योर लुईस मॉडल. अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर होती है इसमें, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज योर सोलो मॉडल. सोलो मॉडल इज एक्चुअली अ लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल, सो दिस इज रॉन्ग. एंड फोर्थ इज योर फ्री रनिंग मॉडल विच इज बेस्ड ऑन योर सेल्फ सफिशियंट ग्रोथ मॉडल, सो दिस इज करेक्ट. सो नाउ यू नो योर फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज राइट एंड फोर्थ इज राइट. सो योर करेक्ट कोड इज ए. ए इज योर करेक्ट आंसर. सो लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज अ मेमरी बेस्ड क्वेश्चन. Who is the author of the book Economic Backwardness and the Economic Growth? Your options are R.P. Nelson, Paul N. Rodenstein Roden, C is Harvey Livingston and D is your Hollis Chinnery. ये सारे आपको options दिए हुए हैं and let me know in the chat box what is your correct answer and I'll tell you the concept. हार्वी लिविंगस्टीन के जो मॉडल है दैट वॉज कॉल्ड क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस और इन्होंने ये बुक लिखी थी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी विच वॉज गिवन इन द ईयर 1957. उनके हिसाब से एक इकोनॉमी में दो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, वन इज योर स्टॉक्स एंड अदर इज योर स्टिमुलेंट. स्टॉक्स की वजह से जो इकोनॉमी है वो डिप्रेस होती है इसलिए इनको इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका इन्फ्लेशन रेट ड्रास्टिकली अगर इंक्रीज कर देता है तो दिस इज योर स्टॉक्स इफेक्ट, जहां पे आप इनकम डिप्रेस कर रहे हो आपके बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आपका इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इज योर स्टिमुलेंट. अगर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर सकती है. स्टिमुलेट करने का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए वो कुछ करे
वो क्या कर सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकती है, या वो क्या कर सकती है, वो खुद इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो वो जी को इंक्रीज कर सकती है अपने, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज कर सकती है. सो दिस इज योर स्टिमुलेंट पार्ट. तो ये वो कह रहा था कि स्टॉक्स और स्टिमुलेंट में से बाहर आने के लिए, वरना तो यही चलता रहेगा इकोनॉमी का, क्योंकि कभी स्टॉक ज्यादा हो जाएगा या कभी स्टिमुलेंट्स ज्यादा होते जाएंगे, तो ये सर्कुलर ही चलता रहेगा. अगर यहां से बाहर आना है तो आपको एक क्रिटिकल मिनिमम लेवल आइडेंटिफाई करना होगा अपनी इकोनॉमी के लिए, उतनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और अगर आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्रिटिकल मिनिमम, तो आप इससे बाहर आ जाओगे एंड यू विल एबल टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. सो दिस वॉज द क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो कि हार्वी लिबस्टीन ने ये बुक लिखी थी. सो योर करेक्ट आंसर इज सी. सो दिस कम्प्लीट्स योर ग्रोथ पार्ट. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई और कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड द चैट बॉक्स, मैं उसी टॉपिक को उठा लूंगी. यहाँ तक मैंने आपका 80-90% जो टॉपिक है वो क्लियर कर दिए हैं, सिलेबस का पार्ट कवर कर लिए हैं. इफ यू स्टिल हैव सम डाउट, लेट मी नो, आई विल आंसर इट देयर ओनली. सो कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.